धार स्थित भोजशाला में दिल्ली और भोपाल एएसआई की टीम के सर्वे का आज 12वां दिन है। इस मौके पर एएसआई की टीम सुबह 7:45 मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि एएसआई टीम की सर्वे में सहायता करने के लिए 34 मजदूर भी भोजशाला के अंदर दाखिल हुए। मंगलवार होने की वजह से हिंदू समाज नियमानुसार भोजशाला में पूजा की गई। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वही याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया। नमस्कार, एएमवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिनेश सोनवानिया। जी हाँ, धार भोजशाला पे जो सर्वे चल रहा है उसका आज 12वां दिन है। 12वें दिन के सर्वे में आज हुआ है मंगलवार। मंगलवार को जो है हिंदू समाज यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करता है, शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज यहाँ पर नमाज अदा करता है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जो आदेश हुआ था कि भोजशाला का जो वैज्ञानिक सर्वे जो कि आज चल रहा है और आज वो 12वें दिन में पहुँच चुका है। दर्शकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से एक याचिका लगाई गई थी जो कि कल अमान्य कर दी गई, अस्वीकार कर ली गई। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस जो सर्वे जो पिछले 12 दिनों से चल रहा है सर्वे यथावत चले और उसकी जो भी जो है सही रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के अंदर उसको प्रस्तुत करना है। वहीं मुस्लिम समाज की जो याचिका लाई गई थी वो खारिज कर दी गई है और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसका जो भौतिक रूप है उसको ना परिवर्तन ना किया जाए। कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को जो है पूरा न्यायालय संज्ञान में लिया गया। आप देख सकते हैं कि आज का जो मंगलवार का जो सत्याग्रह था, मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी पुलिस के जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर यहाँ पर जो दर्शनार्थी है जो पूजा के लिए सत्याग्रह के लिए आते हैं उनको पुलिस की जो है चेकिंग होती है। मोबाइल से यहाँ पर जो है मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा बल की जो टुकड़ियाँ लगाई गई है पूरी तरह से भोजशाला के पीछे से लेकर आगे तक 500 मीटर की परिधि के अंदर जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर भी पुलिस का अलग अलग जगह जो बल लगाया गया है ताकि भोजशाला परिसर का जो अंदर सर्वे चल रहा है वो पूरी तरह से सेफ रहे और सारी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो गुप्त रूप से पेश की जाए। आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है इस याचिकाकर्ता जो कुलदीप तिवारी है वो भी भोजशाला में आज दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने भी भोजशाला के अंदर जाके दर्शन किए हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि अंदर कहीं ना कहीं भोजशाला को खुदाई में एक तहखाना और कुछ पीढ़ियाँ नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पूजा का जो सर्वे का जो मामला है, सर्वे का जो कार्य है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो कहीं ना कहीं इस कार्य में और तेजी लाई जाएगी क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है ऊपर पेश करना है। नमस्कार, एएमवी में आपका। याचिका संख्या 10484 है और एक याचिका है 10497/2022। ये दोनों अपनी ही याचिका हैं जिसमें से 10484 है वो कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। तो दोनों याचिकाएं एक विशेष प्रयोजन के साथ लगाई गई हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारी बात सुनी गई माननीय न्यायालय ने। हमने तथ्यों के साथ बातों को रखा है, उन्होंने एएसआई सर्वे का निर्देश दिया है। सर्वे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। मुझे जो जानकारी है सर्वे में एक तलग्रह भी मिला हुआ है, सीढ़ियाँ भी मिली हुई हैं तलग्रह में अंदर जाने के लिए जो अभी तक दबा हुआ था। तो जब हम तलग्रह का भी सर्वे करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, अब लोगों के समक्ष आएंगे। तो इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका है 10484 के अंतर्गत उसको मेन केस बना करके आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में अशोक जैन जी भाई साहब हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, राजेश शुक्ला जी भाई साहब, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा उस केस को करने में और सब लोगों ने मिल करके ही इस केस को आगे बढ़ाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।